न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों के सीरीज का पहला मुकाबला 18 जनवरी को हैदराबाद में खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम श्रीलंका से T20 और वनडे मैचों के सीरीज को जीत कर इस समय काफी उत्साहित है और न्यूजीलैंड से होने वाले पहले वनडे मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है और इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम को न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय क्रिकेट टीम को क्रिकेट के हर मंच पे काफी बड़े बड़े झटके दिए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में सिर्फ विस्फोटक खिलाड़ियों को ही दिया है खेलने का मौका। दोस्तों रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कौन कौन से विस्फोटक खिलाड़ियों को दिया है मौका जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम T20 मैचों के सीरीज में 2-1 से तथा वनडे मैचों के सीरीज में 3-0 से जीत कर इस समय काफी उत्साहित है और भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका जितनी कमजोर नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से ही भारत को टक्कर देती आई है। अभी हाल ही में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पे गई थी और इस दौरे पे भारतीय टीम को वनडे मैचों के सीरीज में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों न्यूजीलैंड की ही टीम थी जो साल 2019 के वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को हरा कर वर्ल्ड कप से बाहर की थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं ले रहे हैं और इस सीरीज के पहले मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में सिर्फ विस्फोटक खिलाड़ियों को ही दिया है मौका। इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और बल्लेबाजी क्रम की घोषणा कर दी है जो होगी कुछ इस प्रकार। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा और शुभमन गिल। नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर ईशान किशन, नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज, नंबर 10 पर उमरान मलिक तथा नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों इस मुकाबले के लिए रोहित शर्मा की यह प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और यदि आप भी चाहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीते तो वीडियो को लाइक करें, क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।